हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे बेहतरीन होंगे लाजवाब होंगे बेहतर तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे तो चलिएगा हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में आप क्या क्या करने वाले हैं यानी कितना स्कोर करने वाले हैं तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम नमस्कार बंदे मातरम जय हिंद राधे राधे जय सिया राम सत्याकाल तो बोलो तैयार हो रेडी हो बोलो जल्दी से फटाफट से बोलो तैयार हो रेडी हो बिल्कुल एकदम कमर कस ली है हथियार अपने औजार पेन और पेपर साथ ले लिया है जल्दी से बोलिएगा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा बना पछताओगे का ना आ, समय चूक पुनिका पछताने का कृषि तो तो आपकी ये बिकेंसी आई है तो प्रयास करो कि आप इस बिकेंसी में अपना एक पद सुनिश्चित कर लें बाकी तो जिंदगी है चलती रहेगी जीवन का आ, क्या भरोसा तो जब तक हम हैं तब तक तो अपने कर्म करें और आज हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज की भांति आज भी कर रहे हैं इसमें कोई आ, नई बात दोहराए वाली बात नहीं है

तो आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तो ट्रिक बताई थी आपको ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी ट्रिक कहती है हमारी कि जहां पर छत्री पाया जाए वो तत्सम होता है जहां पर छत्री पाया जाए वो क्या होता है तत्सम माना जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा डी ऑप्शन <स्यां> क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा तत्सम माना जाएगा ध्यान से सुनना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा तत्सम हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा

कहा जा रहा है अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रन हुआ जो भारत जो भाग्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ इन पंक्तियों में कौन सा छंद है छंद बताना है सर देखते हैं क्या हो सकता है मैंने कहा भुजंग तो आपने पढ़ाया नहीं हरी गीतका में अट्ठाइस मात्राएं होती हैं सर मालिनी नहीं पढ़ाया शार्दुल नहीं पढ़ाया मात्राएं गिन ले एक बार अगर 28 मात्राएं होंगी तो हरी गीत का पे हम जा सकते हैं अगर 28 मात्राएं हुई तो हरी गीत का पे हम जा सकते हैं तो दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्तर अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस सत्तर अट्ठाइस ये हो गई हमारी अट्ठाइस मात्राएं कितनी मात्राएं हो गई अट्ठाइस मात्राएं तो जहां पर अट्ठाइस मात्राएं हो वो क्या होता है हरी गीतिका जहाँ पर अट्ठाईस मात्राएँ वो क्या होता है हरी गीतिका क्लियर है तो यहां पर बी ऑप्शन सही है हरी गीत का हरी गीत का कैसा छंद है तो आप लिख सकते हैं यह एक सम कि हम सीधा लिख हरी के मात्रिक छंद है यह एक कौन सा छंद है यह एक हमारा मात्रिक छंद माना जाता है बोलो के लिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य किस है किसकी प्रसिद्ध उक्ति है यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति मानी जाती है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है <ckles Line> यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति मानी जाती है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है साहित्य है यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति मानी जाती है तो यह मानी जाती है प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है किसकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मानी जाती है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, है। यह जो उक्ति है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है फोर्थ क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं इस अनुच्छेद को इस आर्टिकल को रीड करिएगा पहले इसको रीड करना फिर आंसर करना मैं क्वेश्चन लगाऊंगा पहले इसे अच्छे से रीड कर लो देखो डेली क्लास हो रही है तुम तो और लेट मैं प्रैक्टिस शुरू करोगे और लेट मेहनत करोगे तब तक बहुत बच्चे बहुत आगे निकल चुके होंगे यार पोल के बिना तुम लोगों की पढ़ाई क्यों नहीं होती हमें ये बताओ क्यों नहीं होती पढ़ो इसको पहले तो लिखा गया है जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता है इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है यानी जो विद्यार्थी जीवन है वो बहुत लंबा समय नहीं है वह छोटा ही पी टाइम पीरियड है यह मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है सब तो कहते हैं गोल्डन टाइम वही है जो हम विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं मतलब वही आठवीं नौवीं दसवीं तक विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है माता पिता लाड़ प्यार करते हैं परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं पढ़ो आगे चलते हैं इसको पहले पढ़ो एक बार अच्छा देखो मन से पढ़ा करो जब पैराग्राफ वाला प्रश्न आए ना तो उसको दिल से पढ़ो दिल से पढ़ोगे तो अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी अच्छे से मन से सीरियसली बता रहा हूं चले हो गया परिवार की वर्षा से अबुद मन को गुदगुदाते हैं नित्य नए मित्र बनते हैं बचपन बाल्यकाल में नित्य रोज रोज नए मित्र बनते हैं छेड़छाड़ चलती है कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मारपीट हाथ पाई तक आ जाती है परंतु सारा द्वेष समस्त क्रोध सारी कड़वाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठ मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों ना हो और सुहावना होता है अतः यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने, अपने जीवन के स्वयं काल का जो लौटकर आने वाला नहीं है भरपूर लुप्त तो उठाए मतलब कि हमारा ये जो टाइम पीरियड है विद्यार्थी जीवन का कहा जा रहा है इसका भरपूर लुप्त तो उठाना चाहिए ये वापिस लौटकर नहीं आएगा तो बेहतर है कि जो भी समय हमें मिला है ये बेहतर से बेहतर हम इसका यूज करें बेहतर से बेहतर हम इसका क्या करें यूज करें अच्छा भरपूर आनंद उठाएं तो पढ़ लिया पैराग्राफ अब मत कहना कि सर ने पढ़ने नहीं दिया पढ़ लिया है तो बताओ आगे बढ़े हम पढ़ लिया हो तो जल्दी से बोलो आगे बढ़े ये मत कहना जब प्रश्न गलत हो कि हमने तो पढ़ा ही नहीं फिर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तब से क्या कर रहे हो विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है ऐसा क्यों विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जो है जल्दी समाप्त हो जाता है ऐसा क्यों ऐसा एक रीजन बताओ कि विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी खत्म हो जाता है मैं आपका एक एक क्वेश्चन नोट कर लो एक एक क्वेश्चन फंसा के दूंगा पेपर में अब आप विश्वास करो या ना करो लास्ट ईयर में जिस प्लेटफॉर्म पे था तुम्हें तो पता ना सबसे फेमस सब्जेक्ट हिंदी चल रहा था वहां का और हरी एग्जाम में चलाए हुए फिर कह रहा हूं तो क्यों हो जाता है अकेले रह जाने का अत्यापक द्वारा दंडित किए जाने का भय बचपन से नहीं मन की सरल निष्कपट भावना हमारे मन में कोई द्वेष नहीं होता है कि हमें इससे बदला लेना है हमें ये करना है मतलब हमारे अंदर किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता है कोई कपट नहीं होता है हम सच्चे मन से किसी के साथ जुड़ते हैं तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे पांचवे विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि अब विद्यार्थी जीवन मोहक क्यों बताया गया है इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा बताइएगा विद्यार्थी जीवन मोहक है परिवार विद्यालय व मित्रों के भी सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है प्रत्येक इच्छा माता पिता द्वारा पूरी की जाती है अल्पकालिक है किसी प्रकार के नहीं हम्म ये ऑप्शन लग रहा है मुझे ये ऑप्शन ज्यादा हमें ठीक लग रहा है आत्मिय मतलब जो विद्यार्थी जीवन है ये हमें प्रिय क्यों होता है विद्यार्थी जीवन हमें इसलिए प्रिय होता है मैं बताता हूं इसका एक रीजन है हमें इसलिए प्रिय होता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होता है इस टाइम पीरियड में होता ये है कि हम सब लोग अपने पन के भाव से रहते हैं चाहे विद्यालय हो परिवार हो दोस्त यार हो रिश्ते नातेदार हो अपने पन का फील आता है हमें वहां पर किसका अपनेपन का फील आता है हमें वहां पर तो यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रस्तुत गध्यांश के किस पर जोर इस गध्यांश में किस चीज पर जोर दिया जा रहा है इस गध्यांश में किस चीज पर जोर दिया जा रहा है बताइएगा इस गद्यांश में किस चीज पर जोर दिया जा रहा है चलो जल्दी से बताइएगा अब लो, तुम लोग बातें कर लो जल्दी से इस गद्यांश में किस चीज पर जोर दिया जा रहा है स्कूली शिक्षा पर या फिर विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर अनुशासन पर या फिर चरित्र निर्माण पर मतलब में में हम किसके बारे बता रहे हैं? तो यहां पर हम बता रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन की मानसिकता तो यही लग रहा है। हम यही तो कह रहे हैं बच्चे पढ़ते हैं अपनेपन का व्यवहार करते हैं जल्दी लड़ते हैं और जल्दी एक हो जाते हैं जल्दी नए नए दोस्त बनते हैं और क्या करते हैं आत्मीयता का इनके अंदर भाव होता है निष्कपट होते हैं इनके अंदर कोई कपट नहीं होता है यही तो कहा जा रहा है तो यह हम क्या कहेंगे विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर क्या होता है विशेष मानसिकता पर इस गभ्यांश में जोर दिया जा रहा है नेक्स्ट चलते हैं चलो सातवें प्रश्न पर आते हैं की कुंडली करी जोगिनी चबात पीपही में पागीमानो जुबते जलेवी खात इन पंक्तियों में कौन सा रस है इन पंक्तियों में कौन सा रस है बताइएगा इन पंक्तियों में कौन सा रस है जल्दी बताइएगा दी गई पंक्तियों में कौन सा रस माना जा रहा है रिपू मतलब होता है दुश्मन दुश्मन की पेट को फाड़ करके एक राक्षसनी ने उनकी आंतों को निकाला आंतों को निकाल के उसकी पीप में डुबाया मवाद में पस में डुबाया और खा रही है कैसे खा रही है जैसे तुम लोग जलेबी खाते हो चाशनी में डुबो करके तो हो जाएगा घृणा विभत्स का स्थाई भाव क्या होता है तो जुगुप्सा होता, होता, होता है अगर जुगुप्सा ऑप्शन में नहीं है जुगुप्सा ऑप्शन में नहीं है तो घृणा माना जाएगा जुगुप्सा ऑप्शन में नहीं है तो घृणा माना जाएगा रौद्र का क्रोध होता है भयानक का भय होता है ये एक दूसरे के हैं। भयानक का क्या होता है भय होता है तो डी ऑप्शन सही है आगे बढ़ते हैं देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है जैसे पहले अलंकार बताइएगा फिर मैं बताता हूं देख लो साकेत नंगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिलेबस इतना सा है आपका सिलेबस जो है वो इतना सा है तो मैं आपको इतने दूर से तैयारी कराऊंगा इतने दूर से तो आप ये सोचो मैं आपको इतना दूर का एरिया कवर करा दूंगा कि भैया खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रश्न पेपर में आ गया तो क्या कर लोगे तो मैं तैयारी आपको थोड़े दूर से कराऊंगा टॉपिक भी मैं आपको कवर कराते हुए चलूंगा एक एक दो दो याद रखना ये वाले इससे क्या होगा कि हमारे सिलेक्शन की उम्मीद मतलब अगर प्रश्न एक दो बाहर भी आते हैं ना तो वो हम कर ले जाएंगे तो यहां पर हमारा अतिशयुक्ति अलंकार है कौन सा अलंकार है अतिशयुक्ति अलंकार माना जा रहा है कौन सा अलंकार है अतिरूपक तो होगा ही नहीं जैसे मैंने कहा लहरें बियो में चूमती उठती जो समुद्र की लहरें उठ रही हैं वो आसमान को चूम रही हैं, वो आकाश को छू रही हैं। तो जब बातों को जब बातों को वड़ा चढ़ाकर किया जाता है वड़ा चढ़ाकर जब बातों को वड़ा चढ़ाकर किया जाता है वड़ा चढ़ाकर किया जाता है बातों को बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वातों को वला चढ़ा कर किया जाता है तो वहां पर अतिशयुक्त अलंकार माना जाता है बी ऑप्शन सही है आगे चले आगे चलते हैं नौवे प्रश्न पर आते हैं संधि का विलोम शब्द क्या है संधि का विलोम शब्द क्या माना जाता है <ख्थ> जल्दी से बताइएगा दिए गए विकल्पों में से संधि का विलोम शब्द बताइएगा दिए गए विकल्पों में से संधि का विलोम शब्द बताइएगा क्या हो सकता है सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें दिए गए विकल्पों में से संधि का विलोम शब्द क्या हो सकता है तो संधि संचय मतलब एकत्रित करना इकट्ठा एक मैंने पैसों का संचय के लिए इसका हम व्यय लगा सकते हैं भेद का विभेद लगा सकते हैं संधि का विग्रह तो यहां देखिएगा हमारा जो आंसर है वो विग्रह है अच्छा यहाँ से एक प्रश्न का आंसर और निकलेगा क्या निकलेगा मैं बताता हूं आपसे पेपर में प्रश्न आता है कौन सा समास का विलोम समास का विलोम क्या होता है तो समास का विलोम व्यास माना जाता है का विलोम क्या माना जाता है व्यास माना जाता है दसवें प्रश्न पर आते हैं अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द आज से संबंध नहीं रखता है कौन सा आज से संबंध नहीं रखता है बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा आज से संबंध नहीं रखता है अरे भैया जल्दी से कर दो एक बार सेशन को शेयर वेयर कर दो बताइएगा जल्दी से बताइएगा आज आज के अर्थ की बात हो रही है आज दशरथ के पिताजी का नाम था बिल्कुल था सर दशरथ के पिताजी को हम आज कहते हैं बिल्कुल कहते हैं सर वक्रा को भी आज कहा जाता है बिल्कुल कहा जाता है सर जी सर कमल को नहीं कहा जाता है कमल को हम आज नहीं कहते हैं सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आगे चले ग्यारहवीं प्रश्न पर गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है जो गंगा शब्द है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार माना जाता है गंगा शब्द है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार माना जाता है बताइएगा गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार माना जाता है तो अगर मैं इसकी बात करूं कि गंगा तो गंगा एक स्पेसिफिक नाम है बेसिकली ये नदी का नाम है अगर नहीं देखना समझना है? तो वैसे भी किसी इंसान का भी नाम तो एक स्पेसिफिक नेम है हम इतना जानते हैं और जहां पर स्पेसिफिक नेम हो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है संज्ञा पांच प्रकार की होती है तो चार प्रकार तो आपके यही लिखे हैं भाववाचक व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक और एक और होती है द्रव्यवाचक कौन सी होती है द्रव्यवाचक देखो अगर तुम लोग डेली नहीं आ रहे हो क्लास में मुझे खपा है मैं फिर कहूंगा अगर नहीं आओगे तो कैसे चलेंगी ये क्लासेस निम्न में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है हिंदी का पहला महाकाव्य देखो आप लोगों का क्लास में डेली आना जरूरी है मैं इतनी सी बात बता दूंगा आपको डेली आपका आना जरूरी है हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है बताइए चलो हिंदी का पहला महाकाव्य अगर हम देखें तो विशल देवरासु नरपति नल की है विशल देवरासु किसकी है नरपति नल की रचना मानी जाती है ठीक है सर खुमार रासो दलपति की रचना है दलपति विजय दलपति विजय की है पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है परमाल रासो जगनिक ठीक है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा पृथ्वीराज रासो क्या हो जाएगा पृथ्वीराज रासो सी ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव करना है कौन सा है बताइएगा दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव करना है कौन सा माना जाता है दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव कीजिएगा जल्दी से बताइएगा दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव कीजिएगा दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव करेंगे तो क्या हो जाएगा मेहनत करी जाती है स्त्रीलिंग आहार पुल्लिंग लग रहा है रंगत चाहत तो सर आहार यहां पर सही लग रहा है आहार शब्द यहाँ पर सही है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आगे चले फोर्टीन क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं माना जाता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं माना जाता है बताइएगा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है बताइएगा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तो कॉमन सेंस है तद्भव नहीं होगा तो तत्सम होगा तत्सम नहीं होगा तो देशज विदेश होगा सर दूध दुग्ध होता है तो तद्भव है दमन यही हमारा तद्भव नहीं है यही नहीं है तद्भव ये तत्सम है सर दमन इसके तद्भव की अगर मैं बात करें तो दबना हो जाएगा क्या हो जाएगा दबना दबना दूज हमारा तदसम है तद्भव है द्वितिया होता है तत्सम तद्भव है दही का दधी होता है दमन हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है तद्भव नहीं है तो हमारा बी ऑप्शन तद्भव नहीं है दूज जो शब्द है ये तद्भव है जो दूध ये शब्द है दूज दूज तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम द्वितिया होता है आपने पढ़ा है ना प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी तो ये क्या होता है द्वितीया होता है क्या माना, है? माना जाता है माना फिफ्टीन पे आते हैं हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया तुलनात्मक आलोचना की बात हो रही है क्लास कितने बजे से हो रही है अभी कितना बजा जल्दी बोलो अभी कितना बजा है? तो है बोलो जल्दी से हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जो प्रारंभ है वो पद्म सिंह जी ने किया किसने किया पद्म सिंह जी ने किया यहां पर आपने एक शब्द लिखा देखा है मिश्र बंधु तो अगर मैं मिश्र बंधु की बात करता हूं ध्यान से देखना तो मिश्र बंधु में हमारे तीन लोग आते हैं वो तीन लोग कौन कौन से हैं क्या आप मुझे बताओगे मिश्र बंधु में हमारे तीन लोग आते हैं वो कौन कौन से हैं तो पहला तो हमारा गणेश बिहारी है पहले दूसरे से नहीं है तीन लोगों का ग्रुप है उसी को कहा जाता है मिश्र बंधु तीन लोगों का ग्रुप है जिसे हम मिस्र बंधु कहते हैं दूसरा हो जाता है सुखदेव विहारी सुखदेव विहारी फिर हो जाएगा श्याम विहारी श्याम विहारी हमारे तीन नाम होते हैं मिश्र बंधु में ठीक है तीन मिश्र बंधु में पाए जाते हैं आगे पढ़ते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चल गया इसमें इसमें एक हमें क्या देखना है इसमें हमें एक चिन्ह देखना है इस वाक्य में कौन सा आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया इस वाक्य में चिन्ह बताएगा कौन सा हो सकता है इसमें कौन सा चिन्ह माना जा सकता है तो अगर मैं बात करूं इसमें कौन सा विराम चिन्ह है तो ध्यान से देखना यहां कौन सा है विराम आनंद घर आया यहां पर लग जाएगा थोड़ी देर रुका यहां पर अल्प विराम लग जाएगा कौन सा अल्प विराम ठीक है सर विराम आ गया विराम कैसा होता है तो विराम ऐसे होता है इनको देख भी दो ये हमारा विराम है ठीक है ये हमारा विराम है प्रश्नवाचक चिन्ह सभी को पता है उप विराम चिन्ह कैसे होता है इस तरीके से होता है विराम चिन्ह इस तरीके से होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सेवेंटीन जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें कौन सा सर्वनाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम बताना है जैसा करोगे वैसा भरोगे तो जैसी करनी वैसी भरनी आ, जैसा करोगे वैसा भरोगे जो ही वह आया त्यों ही चला गया मतलब ये जो डिपेंडेंस सेंटेंस होते हैं जो एक के ऊपर दो निर्भर करें वहां पर संबंध वाचक होता है कौन सा होता है वहां पर संबंध वाचक हमारा माना जाता है एन आते हैं बाम अंग शिव शोभित सरद आधारित मैं जनु तरित विहार इन पंक्तियों में कौन सा छंद है अब हमसे छंद पूछा जा रहा है देखो सर बसंत तिलिका नहीं बताया अपने बंदा कांता सबैया बरव बरव में हमें पता था उन्नीस मात्राएं होती हैं बाकी हमें किसी में पता नहीं था तो हम इनकी एक, एक बार इसकी मात्राएं गिन लेते हैं उन्नीस मात्राएं दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ये हो रही है उन्नीस मात्राएं कितनी मात्राएं हो रही हैं उन्नीस मात्राएं और जहां पर उन्नीस मात्राएं हो वहां पर क्या होता है वरवय उन्नीस मात्राएं हो वहां पर क्या होता है वरवय माना जाता है जहां पर उन्नीस मात्राएं हो वहां पर क्या होता है बरवय माना जाता है ठीक है क्या माना जाता है बरवय आगे चलते हैं नाइनटीन निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिएगा कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भाववाच्य का चयन कीजिएगा दिए गए विकल्पों में से भाववाच्य का चयन कीजिएगा कौन सा भाववाच्य है दिए गए विकल्पों में से भाववाच्य का चयन कीजिएगा दिए गए विकल्पों में से भाववाच्य का चयन कीजिएगा बताइए जल्दी से भाववाच्य का चयन भाववाच मैं उठ नहीं सकता मैं उठ नहीं सकता मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता मैं उठ नहीं सकता मेरे से एफिशिएंसी को दर्शाता है मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका यही हो जाएगा डी ऑप्शन एफिशिएंसी को दर्शा रहा है देखो मैं उठ नहीं सकता मेरे से उठा नहीं जाता था मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता एफिसियंसी को दर्शाता है तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरा डी ऑप्शन यहां पर सही है मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आगे चलते हैं जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है नहीं ये और डी में से देखें तो डी है मैं उठ नहीं सकता वो उठ नहीं सकती देखो तो भाई मेरी बहन से लड़ा नहीं जाता तो ये ऑप्शन हमारा कर्तवाच्य में जा सकता है ठीक है नहीं लगने पे नहीं है आपको एलिमिनेशन e ट्रिक भी तो लगानी होगी जो मुश्किल से खाया जा सके उसे क्या कहा जाता है तो जो मुश्किल से खाया जा सके उसे दुर्भक्ष कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे दुर्भक्ष कहा जाता है ठीक है दुष्कर जो मुश्किल से प्राप्त हो दो नहीं जो मुश्किल से किया जा सके दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त हो ट्वेंटी वन अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया लिखने का काम किसने किया है आलोचना मतलब अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया लिखने का काम किसने किया बताइएगा अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया लिखने का काम किसने किया था अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया लिखने का काम किसने किया तो यहां पर हम लगा देंगे भैया भारतेंदु जी ने किया किसने किया भारतेंदु हरीशन ने ट्वेंटी टू आते हैं हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति अच्छा हमसे कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है पता है हिंदी की पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस रचना को दिया गया देखो हमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो ध्यान से देखो अगर बात हो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो वो बात अलग है ध्यान से देखो पहला था ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो तो वो बात अलग है पहला था। ज्ञानपीठ तो इसकी बात अलग है पहला ज्ञानपीठ तो ये दिया गया है किसे भैया तो पहला ज्ञानपीठ दिया गया है जीएस ग्रुप को बट हमसे यहां पर हिंदी की बात हो रही है हमसे यहां पर हिंदी की बात हो रही है हिंदी में जो पहला दिया गया है वो चिदम्बरा को दिया गया है एक जीएस ग्रुप है ये मलयालम पहला ज्ञानपीठ ये मलयालम भाषा को दिया गया था भाषा लिखना है तो मलयालम लिख लेना मलयालम बट हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी के लिए पहली बार दिया गया सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए तो यहां पर लिख देता हूं सुमित्र नंदन पंत लिख देता हूं फिर जो उर्वशी है ये भी दिया गया इसको भी दिया गया ज्ञानपीठ ये रामधारी सिंह दिनकर की है ए रामधारी सिंह दिनकर की है ए रामधारी सिंह दिनकर की है कितनी नावों में कितनी बार के लिए हीरानंद सचिदानंद वा सायन अज्ञे को दिया गया है यामा के लिए महादेवी वर्मा को इन चारों रचनाओं को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार बट हमसे बात करी गई है कि सबसे पहले हिंदी में किसे दिया गया तो सबसे पहले हिंदी में नंदन पंत साहब को दिया गया था किसे नंदन पंत साहब को दिया गया था आगे चलते ट्वेंटी थर्ड निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है तनय का पर्यायवाची बताना है तनय का पर्यायवाची बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा तनय का पर्यायवाची है दिए गए विकल्पों में से कौन सा तनय का पर्यायवाची है बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा तनय तनय होता है पुत्र का तनय किसका होता है प्यारे बच्चों पुत्र का पर्यायवाची माना जाता है किसका पुत्र का आगे बढ़ते हैं उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द में उपसर्ग बताना है कौन सा है बताइएगा उत्थान शब्द में उपसर्ग उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है थ्योरी शुरू करी जा सकती है बट तुम लोगों का उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है ना तो इसीलिए रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए तो हो जाएगी मैं मजबूर हो जाता हूं ना फिर चलो तो कहा जा रहा है उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है उत् प्लस स्थान पहले वर्ण को तीसरे ता था दा पहले वर्ण को तीसरे में बदल देना ता था दा दा धा ना उत्थान चलिएगा आगे चलते हैं फिर आ जाए 25 तो क्वेश्चन निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौरसेनी एक बोली ऐसी है जिसका विकास सौरसेनी या अपभ्रंश से नहीं हुआ है एक बोली ऐसी है जिसका विकास सौरसेनी या अपभ्रंश से नहीं, नहीं हुआ है नी अपभ्रंश से जिनका विकास हुआ है वो पश्चिमी हिंदी है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी पांच बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी का विकास हमारी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है सर इसके बाद राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी मेवाती मालवी जयपुरी राजस्थानी हिंदी का हमारा जो जो है क्या बोलते हैं उद्भव इसी से हुआ है और सर एक गुजराती ये हमारी सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है इसके बाद आपने पढ़ा होगा एबीसी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखी जाती हैं तो इसका जो विकास है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है किससे अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्ध से हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश में हमारी पूर्वी हिंदी आती है ना एबीसी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चा रो रहा है इस बात में क्रिया का कौन सा प्रकार है बच्चा रो रहा है क्रिया का कौन सा प्रकार है बताइएगा बच्चा रो रहा है क्रिया का कौन सा प्रकार है जल्दी से बताइएगा बच्चा रो रहा है यहां क्रिया का कौन सा प्रकार है तो अगर मैं इसकी बात करूं कि बच्चा रो रहा है तो ये बच्चा हमारा करता है सब्जेक्ट है रोना क्रिया है तो ये अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्यों नहीं है क्योंकि कर्म नहीं है कर्म नहीं है तो सकर्मक नहीं है पूर्वकालिक क्रिया कहती है कि दो काम होते हैं यहाँ एक ही काम हो रहा है रोने का यहाँ पर एक ही काम हो रहा है रोने का ट्वेंटी सेवन यह किताब मेरी इस वाक्य में जो यह है किस प्रकार का विशेषण है यहाँ पर जो एक शब्द है, है यह किस प्रकार का विशेषण माना जा रहा है बताइएगा यह किस प्रकार का विशेषण है यह किस प्रकार का विशेषण माना जा रहा है जल्दी से बोलिए यह किस प्रकार का विशेषण है बताइएगा यह किस प्रकार का विशेषण माना जा रहा है तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यह यह शब्द एक क्या है सर्वनाम है जो ये शब्द है एक सर्वनाम है और सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम है तो क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण आगे चलते हैं कवीरा सोई कोई नहीं सोई कबीरा सोई पीर है कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जान सो का पीर तो बताइएगा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में अलंकार बताना है बताइएगा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है फटाफट से बताइएगा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जा रहा है तो पीर पीर शब्द दो बार आ रहा है जहां पर एक शब्द दो बार आए और उसके मीनिंग अलग अलग हो तो आप कह सकते हो यमक अलंकार मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हैं ट्वेंटी नाइन उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा इस वाक्य में बाच्य का प्रकार बताना है बाच्य कौन सा है कौन सा बाच्य है देखो ट्रिक याद करो थोड़ी सी ट्रिक याद करोगे तो आसान हो जाएंगी चीजें अगर कर सको तो नहीं कर सको तो कोई बात नहीं जैसे मैं कहता हूं उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकता सर एक कर्मवाच्य तो होगा नहीं क्यों नहीं होगा इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है कर्मवाच्य कहता है हमेशा सकर्मक क्रिया चाहिए सीता द्वारा तो यहां पर एक ही ऑप्शन बच रहा है भाववाच्य फीलिंग को दर्शाया जा रहा है एक ही ऑप्शन बच रहा है भाववाच्य और कोई हो ही नहीं सकता आगे चलते हैं थर्टी क्वेश्चन पे दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं यह परिवार किस परिवार की मानी जाती है बताइएगा दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की मानी जाती हैं बताइएगा दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की मानी जाती हैं दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की मानी जाती हैं तो दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की मानी जाती हैं किसकी द्रविड़ भाषा परिवार की मानी जाती हैं आगे चलते हैं और देखते हैं थर्टी वन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग होगा सोचने वाली बात है अरे भैया स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग होगा ये बात तो आप समझते हो कि नहीं समझते हो स्त्रीलिंग नहीं होगा तो पुल्लिंग होगा बोलो स्त्रीलिंग नहीं होगा तो पुल्लिंग होगा कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कुछ भी ना हो बोलो चलो ध्यान से देखना तो अगर मैं यहां पर देखूं झुरमुट झुरमुट हमारा होता है समूह ये होता है हमारा समूह बेसिकली और बेसिकली किसका समूह झाड़ियों का समूह तो झाड़ियां समूह है ये समूह पुल्लिंग में ही रहता है आगे चलते हैं आपके घर में स्वयं आया था इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम बताना है जिसको अंडरलाइन किया गया है इसमें सर्वनाम बताइएगा कौन सा हो सकता है आपके घर में स्वयं आया था इस वाक्य में अधोरेखित तो में सर्वनाम क्या हो सकता है आपके घर में स्वयं आया था बताइएगा बताइए आपके घर में स्वयं आया था तो जो काम अपने आप किया जाता है खुद से किया जाता है वो निजवाचक होता है नेक्स्ट आइएगा हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया यानी कि जो प्रारंभिक काल है हिंदी साहित्य का इसको आरंभिक काल किसने कहा है नाम पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है इसको आदिकाल नाम किसने दिया था इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा बताइएगा जल्दी से बताइएगा तो ध्यान से देखना हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल आज से हजारों साल पहले इसकी ट्रिक है हजारों साल पहले हजारों साल पहले हजारों साल पहले क्या था आदिकाल था हजारों साल पहले आदिकाल था हजारों से क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद हजारों से क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन आगे चलते हैं कौन सा शब्द कृपण का विलोम है कृपण का विलोम बताना है कृपण मतलब होता है कंजूस तो कंजूस का विलोम क्या हो सकता है कृपण का विलोम है कृपण मतलब होता है कंजूस बताइएगा कौन सा कृपण का विलोम माना जा रहा है तो अगर मैं इसकी बात करें कौन सा कृपण का विलोम है तो कनिष्ठ का विलुम वरिष्ठ हो सकता है या ज्येष्ठ कृतज्ञ का कृतज्ञ अधम का उत्तम तो दानी दानी हो जाएगा अधम का विलोम उत्तम हो सकता है अधम का विलोम क्या हो सकता है उत्तम हो सकता है आगे चलते हैं क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है क्रिया की जिस रूप में कर्म प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है क्रिया का संबंध कर्म से हो तो कर्मवाच्य हो जाएगा जिसमें कर्म पाया जाएगा वो तो कर्मवाच्य होगा ना सकर्मक के साथ साथ याद रखो है कि नहीं है अरे भाई होगा कि नहीं होगा ये ऑप्शन यहां सही है देखो ये तो होगा नहीं वाक्य होगा नहीं देखो मैं आपको बताऊं कर्म जहां हो कर्मक क्रिया हो गया सकर्मक सकर्मक और क्रिया एक क्रिया हो गया और एक कर्मवाच इनमें एक चीज लिख लेना इन दोनों की बात कर रहा हूं इनमें हमेशा कर्म पाया जाता है हमेशा कर्म पाया जाता है हमेशा क्या पाया जाता है कर्म पाया जाता है हमेशा ही कर्म पाया जाता है तो ये तो गलत ही है भाववाच्य में तो अकर्मक क्रिया चाहिए वाक्य होगा नहीं तो फिर भी हमारा ये ऑप्शन है थर्टी सिक्स अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध माना जा रहा है बताइए अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध माना जा रहा है अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है अगर मैं बात करता हूं अशोक के फूल अब ध्यान से देखना एक बात अशोक के फूल की बात कर रहा हूं मैं तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह निबंध है अच्छा विद्यानिवास मिश्र के बारे में मुझे कोई बता सकता है विद्यानिवास मिश्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे फेमस है सबसे फेमस माना जाता है थर्टी सेवन इन तिलों में तेल नहीं इसका सही अर्थ क्या है इन तिलों में तेल नहीं इसका सही अर्थ क्या माना जाता है इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा इन तिलों में तेल नहीं इसका सही अर्थ क्या माना जाता है जल्दी से बताइए इन तिलो में तेल नहीं किसी देखो कहते ना माँ अब चलते हैं तिलों में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही अब तुम मुझे, वो मुझे बिल्कुल फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो इसे हम क्या कह सकते हैं किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत के शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं यानी हम ये कह सकते हैं बिना किसी परिवर्तन के यानी के त्यों प्रयोग होते हैं ज्यो के त्यों प्रयोग होते हैं ज्यो के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो अगर मैं कहूं ज्यो के त्यों प्रयोग होते हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं ज्यो के त्यों प्रयोग होते हैं तो इसे हम कह सकते हैं तस्सम शब्द अगर कुछ बदलाव होके अगर इनमें कुछ बदलाव हो जाता है और अगर बदलाव होने के बाद वो चेंज होते मतलब बदल के रखे जाते हैं तो फिर वो हमारे तद्भव हो जाते हैं थर्टी नाइन पे आते हैं आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी अलवार भक्तों की संख्या देखो मैं बताऊं दक्षिण भारत में जब हमारा भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था तो वहां पर क्या था हमारे कुछ भक्त नयनार थे नयनार शिवजी के भक्तों को कहा जाता है और एक अलवार थे अलवार विष्णु जी के भक्तों को कहा जाता है आप पी एस थर्ड मूवी देखना या सेकंड जो भगवान विष्णु के भक्त हुए उनको तो हमने क्या कह दिया अलवार और जो भगवान शिव जी के भक्त हुए उनको तो हमने कह दिया नयनार अच्छा नयनार और अलवारों की बात करें तो यहाँ पर अलवारों की संख्या बारह मानी जाती है इनकी संख्या कितनी मानी जाती है वारा मानी जाती है इनकी संख्या कितनी मानी जाती है तिरसठ मानी जाती है अच्छा एक हमने यहां पर पढ़ा है अंडाल नाम की चीज देखी है अंडाल किसे कहा जाता है जल्दी से बताना यहां पर हमने एक अंडाल नाम की चीज देखी है तो अंडाल किसे कहा जाता है अंडाल जो है एक महिला संत थी यानी कि जो महिला संत हुआ करती थी वहां पे उनको अंडाल कहा जाता था तो बताइए वो कौन सी थी अलवार में थी या नयनार में थी ये तो आप मुझे बता ही सकते हैं इतना तो आप बता ही सकते आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है संविधान की आठवीं अनुसूची में बाईस मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है कितनी मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है बाईस मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है अगर मैं कहूं नेपाली तो है ना से नेपाली मां से मणिपुरी कैसे कौंकड़ी बोडो मैथिली संथाली डोंगरी बोडो ये सारी भोजपुरी एक बोली है भोजपुरी क्या है एक बोली है मगही मैथिली भोजपुरी तो ये क्या है एक बोली है तो ये भाषा तो है ही नहीं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है तो इज दैट क्लियर अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे ये टेलीग्राम चैनल है अगर आप में से कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो इसको ज्वाइन कर लेना या इस क्यू आर कोड को स्कैन कर लेना दोनों ही ऑप्शन आपके पास हमेशा से रहते हैं बाकी चलते हैं ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का हमारा बैच है अगर मैं इसकी बात करें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो ये सिक्स डबल नाइन का है इस बैच को आप ज्वाइन कर लेना इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये पेड बैच है और बाकी मेरे दोस्त आज के इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे सेम टाइम पर तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों अपना और अपनों का ध्यान रखें माता पिता का सम्मान करें उनकी इज्जत करें नाम रोशन करें और उनके सपनों को साकार करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तक चीजों को रिविजन करते रहिए धन्यवाद थैंक यू सो मच बबा टेक केयर बेस्ट ऑफ लक